मोर देन वन किटाइन और मोर देन वन एनआईन डबल सॉल्ट एक ऐसा सोल्ट है जिसके अंदर या तो एक से ज्यादा किटायन प्रेजेंट होंगे या तो एक से ज्यादा एनआईन प्रेजेंट होंगे किटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एन एनआईन होते हैं निगेटिवली चार्ज आयन डबल सोल्ट का जब एक्सोल्यूशन बनाया जाता है तो वो सिंपल आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ऑप्शन हमें गिवन है सिस प्लैटिन। सिस प्लैटिन का फॉर्मूला है सिस पी टी एनएच थ्री होल्ड बाई सीएल टू प्लैटिन एक कोर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यहां पर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यहां पर इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं प्लैटिनम इज बॉन्डेड टू एनएच थ्री लीगेंड टू एनएच थ्री लीगेंड एंड टू सी एन अगर हम इस कॉर्डिनेशन स्टेयर को एक्वि सोल्यूशन में डालें तो ये कोई आय में ब्रेक नहीं होगा बिकॉज ये एक न्यूट्रल कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बट डबल सोल्ट के अंदर जो भी आयन्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मोर सोल्ट अमोनियम एन एच फोर होल्टवाइ एफई एसओ फोर होल्ड वाइस सिक्स एच टू ये फॉर्मूला है ऑफ मोर सोल्ट अगर हम इसका एक्व सोल्यूशन बनाएंगे तो ये किन में डिसोसिएट होगा एन फोर प्लस आयन एफ ई टू प्लस आयन एंड एसओ फोर टू माइनस आय सिल आय में डिसोसिएट हो गया है मोर मोरसोल्ट ये एक डबल सोल्ट है क्योंकि इसके अंदर टू किटायंस है मोर देन वन किटायन है बट यहाँ पर जो सिटीन है अगर हम इसका एक्व सोल्यूशन बनाए तो यहाँ पर जो प्लाटिनम आयन है पीटी टू प्लस आयन ये कोऑर्डिनेशन स्टर के बाहर आके एक्वा सोल्यूशन के अंदर पीटी टू प्लस फॉर्म नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन स्पेर ब्रेक डाउन नहीं होता है इन एक्वा सोल्यूशन तो ये इसी फॉर्म में रहेगा सिस इज नॉट अ डबल सोल्ट एंड ना ही सिस प्लेटिन के अंदर टू कैटायंस या टू एन आइंस है ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट नेक्स्ट इज कार्नेलाइट कार्नेलाइट का फॉर्मूला है के सी एल एम जी सी एल टू सिक्स एच टू ओ कार्नेलाइट एक एग्जाम्पल है ऑफ डबल सोल्ट बिकॉज इसके अंदर कितना आयंस है अगर हम बी कार्नेलाइट को ले और इसका एक्वा सोल्यूशन बनाए के सीएल एमजीसीएल टू सिक्स एच टू का एक्वा सोल्यूशन ले एक्वा सोल्यूशन ले तो ये इन आय में डिसोसिएट होगा के प्लस सीएल माइनस एन एमजी टू प्लस आयन में तो यहाँ पर टू केटाइंस है टू केटाइंस है कार्नेलाइट के अंदर टू किटायंस है मतलब मोर देन वन केटायन है कार्नेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सोल्ट ऑप्शन बी करेक्ट है नेक्स्ट है क्लोरोफिल क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम एक मेटल है मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है जिसके अराउंड यहाँ पर होती है क्लोरीन क्लोरीन रिंग क्लोरेन रिंग जो कि एक रिड्यूस फॉर्म होती है ऑफ पॉरफाइर रिंग इस क्लोरीन रिंग से एक फाइटोल चेन बॉन्डेड होती है यहां पर इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं यहां पर क्लोरीन रिंग के अंदर फोर नाइट्रोजन आइटम्स है जिनमें से थ्री नाइट्रोजन आइटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद दिस मेग्नेशियम आयन यहाँ पर जो रिंग है ये एक ऑर्गेनिक रिंग है यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है बट डबल सॉल्व के अंदर सिर्फ केटाइन्स एंड एनायंस होते हैं एंड ये एक कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल एक पिगमेंट है क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इसको एक्व सोल्यूशन बनाने पर हमें सिंपल आयंस नहीं मिलते हैं यहाँ पर सिर्फ हमें एक मैग्नीशियम आयन दिख रहा है क्लोरोफिल के अंदर टू या टू एस प्रेजेंट नहीं है क्लोरोफिल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट नेक्स्ट है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन को विटामिन बी ट्वेल्व भी कहा जा सकता है विटामिन बी ट्वेल्व ये एक वाल्ट कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंपाउंड है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन अ कोरियन रिंग ये प्रेजेंट होता है कोरियन रिंग में यहां पर हमें एक ही मेटल आयन दिख रहा है साइनोकोबेलमिन सिंथेटिक विटामिन बी ट्वेल्व है एंड इसके अंदर भी टू मेटल आयन्स या केटाइंस नहीं प्रेजेंट एंड साइनोकोबेलमिन के अंदर भी टू केटाइंस एंड आइंस नहीं प्रेजेंट देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट अ डबल सॉल्ट ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कार्नल आइट इज एन एग्जाम्पल फॉर अ डबल सोल्ट इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप